प्लांट भोजपुरी का मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं कलकत्ता एंड बिहार दोनों जगह से बिलोंग करती हूँ मैं बचपन से ही मेरा ड्रीम रहा कि मैं एक्टर बनूँ हमारे स्कूल में गेम होते थे बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन होते थे एक्टिंग का होता था तो मैं डांस में पार्टिसिपेट करती थी और मेरी फ्रेंड एक्टिंग में करती थी तो मैं देखी उसको कि वो एक्टिंग में कर रही है मैं डांस में कर रही हूँ तो उसके जितने हमारे टीचर्स थे वो बोलते थे कि वो एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती है अब मुझे बोलते थे डांस तुम बहुत अच्छा कर लेती हो तो चलिए वो एक्टिंग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती कलकत्ता इंडस्ट्री में काम करती थी जब मैं नाइन्थ में पढ़ रही थी तब उस टाइम से तो पहले मुझे एक सीरियल में काम मिला बीबी वी चौधराई जो जी बांगला पे आता था फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेसिंग करा था मैंने तो उस टाइम पे मैंने बहुत ही मैं खुश हुई बहुत ज़्यादा उसके बाद मुझे अमानुष टू मिला मूवी सोहम चक्रवर्ती के साथ तो उनके साथ भी काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा फिर मैं सोचती थी अगर मैं करती हूँ कलकत्ता इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो मैं सिर्फ कलकत्ता का वेस्ट बंगाल के लोग ही मुझे सिर्फ जानेंगे मुझे पूरी दुनिया को जानना कि हाँ मैं भी एक, एक एक्ट्रेस हूँ तो बस घर पर प्लान करा पापा को बोला मम्मा को बोला एंड भैया को बोला तो उन लोगों ने बोला कि नहीं मुंबई कैसे चली जाओगे अकेली लड़की नहीं जाना है इधर ही करो अपना सपना इधर ही पूरा करो तो मैंने रिक्वेस्ट करा जिद बहुत ही ज़िद्द करा मैंने तो फिर पापा जाकर एग्री हुए देन मम्मा मुझे लेकर आई मुंबई जब मैं मुंबई में आई थी तो ऐसा लग रहा था ये कहाँ में आ गई कितने लोग ऐसे थे नाइन्टी नाइन परसेंट लोग ऐसे थे आपको ये करने से आप इतना आगे बढ़ जाओगे ऐसे करोगे तो मैं आपको यहाँ पहुँचा दूँगा वहाँ पहुँचा दूँगा सब पैसे ऐटने का पे तुले हुए थे तो मैंने बोला हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है देन उसके बाद जब एक साल गुजरा फिर मैं छोटा मोटा काम करती थी इवन कि भोजपुरी का एल्बम भी मैंने करा डेढ़ साल बाद मुझे एक सीरियल मिला था एक नई उम्मीद रोशनी लाइफ ओके सो तो मैंने वो करा उससे मुझे सारे लोग जानने लगे